दोस्तों क्लास 9th मैथ में चैप्टर 8 के जो है एक्सरसाइज 8.1 का जो है ये सातवां क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, सातवां क्वेश्चन में कहता है कि ए बी सी डी ए रोम्बस सो दैट ए डायगोनल ए सी बाइसेक्ट ए एज वेल सी एंड डायगोनल बी डी बाइसेक्ट ए एज वेल डी, यानी इनको सबको जो है बाइसेक्ट करता है दोस्तों। तो यहाँ पे एक रोम्बस बना लिया जाए पहले। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एक रोम्बस बना लिया जाता है और इसको डायगोनल को भी बना लिया जाता है। चलिए इसको जो है हम बना लिए, अब इसका जो है नामकरण कर दें। तो मान लिया दोस्तों कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये जो है ओ है। अब दोस्तों ये चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी सिंस कह सकते हैं ए बी सी डी इज क्या है इज रोम्बस, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, यानी कि ये गिवन है, दिया हुआ है दोस्तों। और उसके बाद क्या है यहाँ पे कह सकते हैं ए बी जो है ये पैरेलल है सी डी के और बी सी जो है बी सी ये पैरेलल है ए डी के, यानी कि ए भी एक तरह से आपका दिया हुआ है। इतना सब जो है दिया हुआ दोस्तों। अब हमको केवल ये सिद्ध करना है कि जो है डायगोनल है ए और सी को बाइसेक्ट करते हैं और ये डायगोनल डी बी डी जो है ये जो है डी और ए बी को जो है बाइसेक्ट करते हैं। अब देखिए इसमें जो है हम चलिए मान लेते हैं कि ये एंगल जो है हमारा क्या है, चलिए एंगल हम मान लेते हैं दोस्तों ये यक्स है, ये यक्स है, ठीक है, तो ये यक्स है और ये जो है वाई है, ये वाई है दोस्तों। तो यहाँ पे चूंकि ये पैरेलल हैं और सब रोम्बस हैं तो इस कंडीशन में दोस्तों ये सब एंगल जो है आपके बराबर हो जाएंगे, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये एंगल जो है वाई हो जाएगा, ये एंगल भी आपका वाई हो जाएगा दोस्तों। तो इस कंडीशन में जो है हमको ये चीज़ सिद्ध करना है कि ये बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं। चलिए हम इसको बना दिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमको ये चीज़ जो है हमको यहाँ पे ट्रेंगिल कौन सा इसको कांग्रुएंट सिद्ध करना है, ट्रेंगिल को जो है ए बी सी और यानी कि अगर जो हम पहले सिद्ध करते हैं कि ए सी बाइसेक्ट करता है इनको, तो दोस्तों हम इसको ले लेते हैं, यानी कि इसको जो है ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम सिद्ध कर सकते हैं इन ट्रेंगिल ए बी सी एंड ट्रेंगिल ए डी सी, ये ट्रेंगिल यहाँ पे चूंकि सब दिया हुआ है, यहाँ पे कह सकते हैं कि ए बी बराबर जो है ए बी बराबर जो है बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, यहाँ पे दोस्तों सब दिया हुआ है। तो कह सकते हैं कि इस प्रकार से कंडीशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ट्रेंगिल दोनों ट्रेंगिल जो है कांग्रुएंट हो गए, यानी इन दोनों ये ट्रेंगिल जो है देखिए ये साइड बराबर है और ये साइड जो है और ये ए सी जो है कामन है दोस्तों। तो इनमें कह सकते हैं कि यस जो है इन ट्रेंगिल जो है यस रूल होल्ड हो रहा है, रूल्स होल्ड हो रहा है दोस्तों, यानी कि कह सकते हैं ए सी का आपका हो गया ए डी और डी सी और ए बी और बी सी, ये साइड जो है यहाँ पे जो है कामन है तो और यहाँ पे जो है ट्रेंगिल का जो है यस रूल होल्ड हो रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हेंस वी कैन से दैट कि ट्रेंगिल जो है ट्रेंगिल आपका जो है ए बी सी इज कांग्रुएंट टू ट्रेंगिल ए डी सी ए डी सी या सी डी ए। तो इस कंडीशन में दोस्तों हम कह सकते हैं कि जब ये कांग्रुएंट हो गया तो यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों
कि एंगल जो है हमारा ये जो है बराबर हो गया। अब देखिए, अब आपका जो है ये कांग्रुएंट सिद्ध हो गया, तो आपका जो है सारे साइड जो है यानी कि ये आइसोसेल ट्रायंगल बन रहे हैं और ये भी आइसोसेल ट्रायंगल बन रहे हैं, तो ये एंगल जो है एंगल के बराबर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोनों कि सभी ट्रायंगल जो है सिंस सिंस ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी जो है क्या है, आइसो सेल्स ट्रायंगल है दोस्तों, आइसोसेल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे जो है दोनों जब आइसोसेल ट्रायंगल हो गए तो यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका जो है ट्रायंगल जो है ट्रायंगल ट्रायंगल ए ट्रायंगल ए डी ट्रायंगल ए डी सी बराबर जो हो गया आपका ट्रायंगल ए बी सी। और इस प्रकार से जो दोस्तों अब हम इसको भी कांग्रुएंट सिद्ध कर देंगे, यानी कि आपका जो है ये भी कांग्रुएंट हो जाएगा। तो इस कांग्रुएंट की स्थिति में दोस्तों ये एंगल जो है भी बराबर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है तो इस कंडीशन से जो है ये हमारा ट्रायंगल जो है यहाँ पे जब आइसोसेस ट्रायंगल हो गया, तो यहाँ पे दोस्तों हम इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एंगल जो है हमारा डी सी ए बराबर एंगल डी ए सी। यानी कि ये एंगल जो है दोस्तों यानी ये एंगल बराबर किसके है आपका, वाई के बराबर है दोस्तों। और नीचे वाला भी आपका यहाँ पे हो जाएगा कि एंगल एंगल बी ए सी बराबर एंगल ए सी बी बराबर वाई है दोस्तों। तो इस प्रकार से जब ये सिद्ध हो जाता है, इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस वी कैन से दैट ए सी बाइसेक्ट ट्रेंगिल ए एंड सॉरी एंगल ए एंड एंगल एंगल सी, यानी एंगल सी को जो भी बाइसेक्ट करता है। और उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से जो है हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि इन ट्रेंगिल में जो है ए बी डी और सी डी बी में जो दोस्तों यानी ये बराबर है और ये डी बी कामन है दोनों में। तो यानी कि कह सकते हैं ए बी डी और डी सी बी जो है ये कांग्रुएंट हो जाएंगे। कांग्रुएंट की स्थिति में दोस्तों ये सब कांग्रुएंट हो जाएंगे। अब जब ये दोनों ये सब ट्रेंगल कांग्रुएंट हो गया ये, तो इसमें कांग्रुएंट की कंडीशन में दोस्तों ये एंगल भी ए एंगल के जो है बराबर होगा और ये एंगल जो है ए एंगल के बराबर होगा। अब चूंकि दोनों कांग्रुएंट है, तो ये चूंकि ए डी बराबर ए बी और डी सी बराबर बी सी, यानी कि ये जो है आइसोसेल ट्रेंगल भी बन रहे हैं, तो आइसोसेल ट्रेंगल दोनों जब बन रहे हैं और ये साइड भी बराबर हैं, तो इस प्रकार से जो है ये ट्रेंगल जो है एक्स एक्स बराबर होगा और ये एक्स एक्स के बराबर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि चारों ट्रेंगल जो है यानी कि ये एंगल जो है एक्स एक्स जो है ये दोनों बराबर होंगे, एक्स एक्स जो बराबर होंगे। तो ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं बी डी जो है बाइसेक्ट क्या करता है, बी डी जो है इसको जो है ये एंगल डी और बी को जो है बाइसेक्ट करता है, कौन सा, डायगोनल बी डी। तो इस प्रकार से जो है ए भी सिद्ध हो जाएगा दोस्तों।